नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। फरक्का एनटीपीसी पावर प्लांट में 42वां एनटीपीसी फरक्का स्थापना दिवस मनाया गया। 42वां एनटीपीसी फरक्का स्थापना दिवस गुरुवार सुबह इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण सीआईएसएफ द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर और संस्कृत समारोह के साथ मनाया गया। इसके अलावा फरक्का एनटीपीसी की ओर से फरक्का एनटीपीसी की सांस्कृतिक टीम व मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। सीजीएम फरक्का एनटीपीसी पावर प्लांट संदीप कुमार, उदिता लेडीज क्लब की अध्यक्ष माया सिंह, जीएमओ एंड एम विजय मंजिल, एचओ एचआर जियाउर रहमान, सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडर सिद्धार्थ पॉल, सीएसआर जहीरुद्दीन विश्वास सहित एनटीपीसी के कर्मचारी यहां मौजूद थे। आप सभी को एनटीपीसी फरक्का की 42वीं स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। फरक्का के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को संबोधित करते हुए मैं अपार गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, पावन गंगा तट पर अवस्थित फरक्का परियोजना का शिलान्यास 29 दिसंबर सन 1981 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कर कमलों द्वारा किया गया था तथा इसकी पहली रेट जनवरी 1986 में आई थी। पहली यूनिट से लेकर छठी यूनिट तक के सफल एवं 2100 मेगावाट के निरंतर उत्पादन द्वारा एनटीपीसी फरक्का का राष्ट्र क्षेत्र में योगदान सराहनीय है। इस ऐतिहासिक परियोजना के शिलान्यास एवं स्थापना से पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद तथा झारखंड के साहेबगंज, पाकुड़ एवं गोड्डा जिले प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। फरक्का परियोजना से उत्पादित बिजली से पश्चिम बंगाल सहित बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं सिक्किम जैसे राज्य रोशन हो रहे हैं। मैं इस परियोजना से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कठोर परिश्रम और मेहनत के कारण आज एनटीपीसी फरक्का पूर्वी क्षेत्र में एक गौरवशाली परियोजना के रूप में कार्य कर रहा है। अगर मैं विशेष रूप से फरक्का स्टेशन की बात करूँ तो एनटीपीसी के विकास और उल्लेखनीय उपलब्धियों में फरक्का स्टेशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फरक्का स्टेशन न केवल एनटीपीसी की सबसे पुरानी एवं आधारभूत स्टेशनों में से एक है, बल्कि एनटीपीसी के वर्तमान विकास में फरक्का के अनुभव एवं संचालन को मार्गदर्शक के तौर पर दर्शाया जाता है। इस वर्ष 2022-23 के दौरान फरक्का स्टेशन द्वारा 25 दिसंबर 2022 तक 8,567 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया जा चुका है। इस वर्ष 2022-23 में ऐश यूटिलाइजेशन अपने रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। हमने 30 नवंबर 2022 तक 241.41% ऐश यूटिलाइज कर लिया है, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। स्टेज वन की सभी इकाइयों एवं स्टेज टू यूनिट के यूनिट चार के ESP की आरएनएन गतिविधियां सफलतापूर्वक संपन्न की गई एवं यूनिट 5 के आरएनएन का कार्य 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है। वी टाइम न्यूज़ के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।